वो बीच में कमेंट आ गया था ऊपर, मैं नोटिफिकेशन ऑन रखती हूँ कमेंट की, वरना मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी, इतने सारे कमेंट इकट्ठे हो जाते हैं फिर एक साथ, तो ऊपर नोटिफिकेशन आती रहती है, काम करते करते मैं पढ़ती रहती हूँ। सबसे पहले आप सबका बहुत सारा थैंक यू प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, एज ऑलवेज बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद। तो सबसे मैं आई हूँ छोटे से टॉपिक की इन्फॉर्मेशन लेने। कल मोस्ट ट्रेंडिंग कमेंट था, कल परसों भी था पर कल ज़्यादा था, क्योंकि मैंने किसी एक बंदे का रिप्लाई दे दिया था। तो उनका कहना ये था, ऑपरेशन के बाद तो सुंदर हो जाते हैं, आपकी स्किन डल हो गई है, दैट मीन्स क्ले का साइड इफेक्ट हुआ है, जो मैंने स्वेलो नहीं करी उसका मुझे साइड इफेक्ट हो गया, और जिस वजह से मैं ऐसी हो रही हूँ, ऐसा उनका कहना था। मेरा इससे कोई रिश्ता नाता नहीं है, इस सेंटेंस को मैंने अपने मुंह से नहीं बोला है, और मैं सच्ची बता दूं, देखो घुमा फिरा के बातें ये लोग लाते हैं क्ले पे, मतलब कैसे भी करके मैं अपने मुंह से ये कहूँ, हाँ मुझे क्ले का साइड इफेक्ट हुआ है, हाँ मुझे क्ले ने हाँ ये कर दिया, हाँ मुझे क्ले ने हाँ वो कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, ब्ला 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 ब्ला। देखो मैं सच्ची बता रही हूँ, आप चाहे जमीन आसमान एक कर ले, जब तक मेरे खुद के साथ मैं नहीं होगा, चीज़ें नहीं होंगी, या फिर मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगी। मेरे बहुत सारे रिलेटिव ऐसे जो खाते हैं पीते हैं क्ले और बहुत खाते हैं, मेरे से भी कई गुना ज़्यादा खाते हैं, और मैंने खाई है, अब तो मैं खा भी नहीं रही हूँ, मैं स्वेलो नहीं कर रही हूँ, और डिलीवरी से पहले भी मैंने उतना स्वेलो नहीं करा है कि मुझे साइड इफेक्ट हो जाए। खाया तो मैंने तब है जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, आपने शायद वीडियो नहीं देखी, खाना तो उसको कहते हैं, मैंने पेट भर के मन भर के खूब बैठ के खाया है, 10-10 मिनट लगातार, 15 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, और खूब पेट भर के खाया, खूब मजे लिए, तो उस वक्त मैंने स्वेलो किया। उस वक्त आपको स्किन में कोई चेंजेस नहीं नज़र आया होगा, क्योंकि वो क्ले से हुआ ही नहीं, अभी भी जो है क्ले से हुआ ही नहीं है, बस इन लोगों को ब्लेम लगाना है एक तरीके से, मेरे मुंह से कैसे भी करके कुछ भी निकल जाए, बस उस चीज़ का फिर उल जलूल बना के प्रेजेंट कर दिया जाएगा। खैर जिस दिन होगा मैं प्रॉमिस करती हूँ आप परेशान ना हो, जिस दिन भी मुझे ऐसा कुछ मिलेगा या ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी क्ले के नुकसान नहीं बताया, मैं साफ साफ बताती हूँ कि मैं मुल्तानी क्यों नहीं खाती, साफ साफ बताती हूँ मैं पंजाब की मिट्टी स्वेलो क्यों नहीं करती, सारी चीज़ें मैंने खोल के बताई हैं, लेकिन मैं उतना ही तो बताऊंगी जितना मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, बाकी बेतुकी हवाबाजी वाली बातों पर मैं बिलीव ना करती हूँ, ना मैं उसको प्रेजेंट करूँगी। कल को लोग बिलीव करें उस चीज़ पर और मेरे से खड़े होकर प्रूफ मांगे, मैं कहाँ से प्रूफ लाऊंगी, क्या आया था भाई को कमेंट करके चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो स्किन डल का देखो मैं आपको बताऊँ, वैसे आपको पता है मेरी बेबी की डिलीवरी हुई है अभी, आज मुझे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं ऑपरेशन के, मेरी बेबी की डिलीवरी हुई है जिसके चलते मेरा ऑपरेशन हुआ है, जिस दौरान मुझे बहुत वीकनेस आई है, मे भी नॉर्मल होती डिलीवरी तो भी वीकनेस आती ही आती है। महान मूर्ति जी कमेंट करना कर रही थी, कह रही थी कि ऑपरेशन होने के बाद तो सुंदर होते हैं, तुम्हारी स्किन डल होगी। बहन जी आप बहुत कमाल की औरत हैं, डिलीवरी होने के बाद एक मात्र केस मैंने आपका सुना है कि ऑपरेशन होने के बाद या डिलीवरी होने के बाद ग्लो आता है, वरना मैं औरतें तो मैंने कमज़ोर होती ही देखी हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी होगी तो भी वीकनेस आती है, 15-20 दिन नॉर्मल डिलीवरी रिकवरी में लगते हैं, और ऑपरेशन तो भाई साहब ऑपरेशन ही है, पूरा पेट ही काट के निकाला जाता है बच्चे को, तो उसमें तो रिकवरी में टाइम लगना ही लगना है। तो उस चीज़ को लेके आप क्ले से कंपैरिजन ना करें, मैं इस चीज़ के लिए सीधा सीधा ब्लेम अपने ऑपरेशन को और अपने बॉडी को दूंगी। मेरी जो बॉडी मेरा जो शरीर है वो ऑपरेशन के झेल नहीं पाया, आप ऐसा कह लीजिए ऑपरेशन को झेल नहीं पाया, जिसके चलते मैंने बहुत वीकनेस महसूस करी है। मैंने दोनों, मेरी पहली बेटी दोनों नॉर्मल है, मैंने कभी आज तक जिंदगी में रिकॉर्ड है मैंने कभी वो महसूस नहीं किया। आज मैं बिस्तर पे से खड़ी होकर, जैसे चलते हैं एकदम से खड़े हो जाते हैं या ज़्यादा देर नीचे बैठी रहती हूँ खड़ी हो जाती हूँ तो वो महसूस करती हूँ, अब करती हूँ मैं ये महसूस, क्योंकि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद ज़्यादा हैवी डाइट मैं नहीं ले पाई, मुझे खाने में डॉक्टर ने एक टाइम रोटी और एक टाइम लिक्विड फूड बोला हुआ है, थोड़ा बहुत घी, थोड़ा बहुत दूध, थोड़े बहुत ही ड्राई फ्रूट्स, ऐसे बोला हुआ है, वैसे नहीं बोला हुआ, जैसी मेरे शरीर को नीड है। नॉर्मल डिलीवरी में मैंने बहुत खाया है, और मैं 15-20 दिन में अपने पैरों पर खड़ी थी, मुझे कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं, ना हेयरफॉल, ना फेस, ना बॉडी, कुछ भी नहीं, लेकिन ऑपरेशन का पैटर्न अलग होता है, जिसके चलते मैं अभी ज़्यादा हेल्दी चीज़ें नहीं खा सकती और ज़्यादा हैवी चीज़ें भी मैं नहीं खा सकती, वो मुझे डाइजेस्ट नहीं होंगी, और अगर मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को तो वो मुझे और मेरे बच्चे को भी बहुत नुकसान देंगी।
मैं अभी बेबी को फीड भी कराती हूँ, जिसके चलते मैं ज़्यादा हैवी डाइट नहीं ले सकती, चीज़ें नहीं ले सकती, बच्चों को परेशानी होती है। और बस मुझे यही कहना था क्ले को लेके, क्ले से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, बेफालतू में क्ले को ब्लेम मत कीजिए। जिस दिन होगा उस दिन मैं अपने मुंह से कहूँगी क्ले को आके कि हाँ मुझे क्ले खाने से ये हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इन पास्ट के पंजाब की मिट्टी मैंने खाई थी, स्वैलो करी थी, जिसके चलते मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने बहुत भर के पानी पिया, मतलब पेट भर गया, पेट फटने को हो गया पर मेरी प्यास नहीं बुझी, वो चीज़ मैंने बताई थी। और उस दिन के बाद फिर मैंने पंजाब की मिट्टी स्वैलो करना बंद कर दी थी, नहीं तो पंजाब की मिट्टी मेरी बहुत फेवरेट थी। और मुल्तानी मैं क्यों नहीं खाती ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा चिपकती है, और एक बार मैंने बहुत सारी मुल्तानी क्रंच करी थी तो मेरे पेट में यहाँ पे दर्द हो गया था इस एरिया में, तो तब से फिर मैंने मुल्तानी को भी क्रंच करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुल्तानी में मुझे बहुत 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 पसंद है, बहुत हल्दी लगती है। बाकी और कोई साइड इफेक्ट मैंने आज तक फेस नहीं करे, जैसे ही फेस करेंगे आपके सामने हम प्रेजेंट कर देंगे, आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। बेवजह आप खुद को और मुझको परेशान ना कीजिए, बातों को समझिए और ऐसे कमेंट ना करके जाइए कि हंसते हंसते इंसान का पेट दुखने लगे। इतना पागल कोई नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं भी दुनिया को कम जानती हूँ, आप ज़्यादा जानते होंगे, तौर तरीके आपको ज़्यादा आते होंगे, चीज़ें ज़्यादा आती होंगी। क्या हुआ, बुला लिया? तो अभी के लिए शूट करेंगे हम इतना ही, बस मुझे यही कहना था कि मैं भी दुनिया के बारे में कम जानती होंगी, लेकिन खुद का परिवार, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, उनके बारे में मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। सो डन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है।